पीएससी की बात लोग कर रहे हैं अपग्रेड करने की, मैं आपसे ये भी विनम्र निवेदन करूंगी कि आप इसको भी अपग्रेड करेंगे। इसके साथ मैं ज्यादा न कहती हुई मैं माननीय मुख्यमंत्री भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। क्या कोई बात नहीं, कितना मिलता है इसमें? 3,000 रुपए मिलता है। आपका बड़ा धन्यवाद सारे योजना में। लेकिन सर मैं आपके पास मकान दे दीजिए। मिल गया, मिल गया मकान, मिल गया है। परिवार में और कौन है? बस ये कोई नहीं है। और सर अभी मल्टीपर्पज में किया था, वो भी नहीं हुआ। तो फिर सर उसमें वो भी दवा गई, तो फिर उस वजह से अच्छा नहीं हो पाया जी। तो वैसे जायज केस तो ये था जी, पर अब वीडियो आ गया। कृपया सभी ध्यान दें, मैं तो हमीरपुर अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का संबोधन होगा। बहुत बार जाते चलो कर लेंगे, 1,00,000 रुपए भेज देंगे आप। मतलब हाँ आप लीजिए, पढ़ाई पढ़ा नहीं सकती। कर लेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटी? कर लिया, करना है कर लिया। उनके लिए एक एप्लीकेशन लिख लेना अपना, और ना पढ़ाई के लिए आगे आगे पढ़ना। इस पे तो फिर मैंने मिला था, इस पे तो मैंने ऐसा कर लिया ना। एक एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हेल्प लिया आप, प्रॉपरली एक बार जरा देख लीजिए जरा। कारण बेड सोल हो गए हैं इनके बारे में, उनको वो उसमें थोड़ा सा करिए। तो कहाँ किस इसके नजदीक हॉस्पिटल के लिए गोटा में वहाँ किसी डॉक्टर की लगाओ, नर्स की ड्यूटी लगाओ, थोड़ा ड्रेसिंग करें, इनके बेड सोल हो गए। हमारे पास आए हाँ हाँ देखो जाकर के घर में करके आए ना। चलो ठीक है, ऐसा नहीं लाना चाहिए ना। चलो करें ऐसा करें, 1,00,000 रुपए दे दिया हमने, 1,00,000 रुपए आ जाएगा आप कर देंगे। जल्दी चाहिए होती है सर, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर करेंगे कर देंगे। ठीक है, अकाउंट किया है, अकाउंट नंबर लिखे है, बाकी रोजगार के लिए इसके बाद अलग से देखिए। अकाउंट नंबर दिया बैंक का और है इसमें लिखो बेटी के ना डॉक्यूमेंट दे देना, इनके पास दे देना। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पेशेंट को शिफ्ट कराने में हेल्प करवा दो। किसका क्या नाम है? कैसे आए आप? सभी अपने अपना स्थान ग्रहण करें। लीला देवी, लीला देवी क्या हुआ आपके पास? 16 सालों से पैरालाइज हैं सर। तो अभी पीएम साहब से मिले तो उन्होंने क्या बोला आपको? सर उन्होंने 1,00,000 रुपए आश्वासन दिया और नौकरी देने के लिए पढ़ाई के लिए बोला। आपने आपने विधायक को नहीं बोला? आपके बहुत बोला सर, विधायक से 3-4 बार मिले वहाँ पे भी, हमने उनको एप्लीकेशन दी नरेंद्र ठाकुर जी को, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। हमने मल्टीटास्क एक एक मिनट, क्या नाम है आपका? आप नालवी विधायक कौन है? श्री नरेंद्र ठाकुर। आपने यहाँ आप नालवी से बता रहे हैं आप? तो नालवी तो हमीरपुर में पढ़ा है। आपने इनको नहीं बताया? इनको बहुत बार बोला सर, जब भी कहीं कोई पोस्ट होगी तो बताना। जब पर्टी टास्क वर्कर की नालवी में पोस्ट थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं, सारे डॉक्यूमेंट बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब मना कर दिया। हमने अति निर्धन के परिवार से भी बोला कि काट कर दिया कि कोई आप निर्धन नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले मेरा घर बीपीएल के इसमें से बना। तो नालवी जो है वो प्लास्टर नहीं हुआ है, आप हमारे हालात देखते हैं तो पूरे हाथ से नहीं। नालवी कमलेश का गांव है। हाँ जी सर,
तो कमलेश को भी नहीं बोला, बताया आपने? लेकिन बोलते थे पोस्ट होगी तभी बताएंगे। नहीं लीला, आज के लिए इलाज के लिए और इनको कुछ जैसे राहत देने के लिए पैसे कुछ मांगे नहीं थे? कुछ नहीं सर, हमें किसी से कुछ नहीं मिला कभी। सीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन? चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाती थी मेरी एक बेटी 2 साल की थी, जब से मैं इसको इनको ऐसे ही देख रही हूँ। विधायक कमलेश से आपकी रिश्तेदारी है? ससुर लगती है इसकी, चाची। तो कभी पैसे मदद कुछ नहीं? कुछ नहीं मिला कभी किसी से भी। अभी आपकी बेटी क्या कर रही है? बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या नाम है आपका? स्नेहा। कौन सी क्लास में? 12th कर ली है 1 साल। तो अभी आगे पढ़ने का क्या सोचा है? पढ़ना है? कितने मार्क्स हैं 12th में? 70%। तो कौन से स्कूल से? आपके कोई सुनवाई नहीं? गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो अभी तो पिताजी की सेवा में लगे आप लोग, है ना? हाँ जी। पिताजी की सेवा ही कर रहे हैं? हाँ जी। तो पैसे नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे घर। हम शिमला जा नहीं सकते थे तो इसीलिए इनको यहाँ लेके आए, क्योंकि जख्म पड़ गए इनके शरीर में। चलो ठीक, आप मुख्यमंत्री ने 1,00,000 रुपए की सहायता का आश्वासन दिया है, आपने अपना अकाउंट और डिटेल्स क्या कहेंगे सीएम के लिए? जो आपके सीएम के लिए हमारा बहुत धन्यवाद है।